हाय फ्रेंड्स, मैं ललिता सैनी नवे रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एकदम न्यू रेसिपी के साथ में। और इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं घर पे ही पनीर बना के तैयार की थी, आज बनाएंगे पनीर मसाला। अब इसकी मैं पीसेज बना लेती हूँ। एकदम होटल व रेस्टोरेंट जैसे बना के तैयार करेंगे। होटल व रेस्टोरेंट का टेस्ट आप भूल जाओगे एक बार बना के खाओगे तो। मैं ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, अदरक ली हूँ, लहसुन ली हूँ और प्याज ली हूँ। अब इनको कट कर लेती हूँ और इनकी ग्रेवी बना के तैयार कर लूँगी। हरी मिर्च को कट कर रही हूँ मैं खड़ी साइज में, क्योंकि पनीर मसाला बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे तो पहले इनको फ्राई करेंगे और फिर बाद में ग्रेवी तैयार करेंगे। हरी मिर्च को मैं कट कर ली हूँ। अब अदरक को कट कर लेती हूँ मोटी साइज में ही, इसको कूटना नहीं है, ऐसे ही कट कर लेना है क्योंकि इसको फ्राई करना है। अब प्याज को कट कर लेती हूँ मैं, प्याज को भी मोटी साइज में ही कट करना है, बारीक नहीं कट करना है। देखिए ऐसे मोटी साइज में प्याज को कट करना है। और इतनी टेस्टी व इतने लाजवाब पनीर मसाला बनके तैयार होएगा। आप एक बार बना के खाओगे तो आपका मन बार बार बना के खाने का करेगा और रेस्टोरेंट होटल का टेस्ट भूल जाओगे। एकदम हलवाई स्टाइल में पनीर मसाला बना के तैयार करेंगे। टमाटर के भी मैं पीसेज बना लेती हूँ मोटी साइज में। एक टमाटर के मैं 4 ही पीस बना रही हूँ। लीजिए सभी कट के तैयार हो गए ग्रेवी के लिए। मैं पैन चढ़ा लेती हूँ। अब मैं 2 चम्मच घी ऐड कर दूंगी पनीर को पकाने के लिए। अब मैं पनीर को फ्राई कर लूंगी, पनीर की पीसेज रख दूंगी मैं। 2 चम्मच घी डाली थी पनीर को फ्राई करने के लिए। देखिए कितनी प्यारी, कितनी अच्छी डाइस में कटी हुई पनीर की पीसेज कितनी प्यारी लग रही हैं। एकदम जैसे हलवाई बना के तैयार किया वो पनीर, वैसे पनीर की पीसेज लग रही हैं। मैं घर पे ही पनीर बना के तैयार की हूँ। मार्केट में लाने से अच्छा है घर पे बना के तैयार कर ले। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। एकदम जो हलवाई की ट्रिक होती है वो ट्रिक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पनीर के अंदर फीका फीका नहीं रहेगा, हल्का हल्का नमक लग जाएगा। तो अभी से फ्राई कर लेंगे पनीर को। पनीर को ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल फ्राई करना है पनीर को। चारों तरफ से एक परत बन जाए इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब पनीर फ्राई हो गई है, मैं पनीर को निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। सभी को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल ली हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा ऑयल बढ़ा देती हूँ। पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैं प्याज, टमाटर, लहसुन इनको सभी को रख देती हूँ। अब मैं प्याज को भी रख दूंगी, इसीलिए तो मैं मोटी साइज में प्याज को कट की थी। अब मैं इनको भी रख दूंगी। अब हरी मिर्च रख देती हूँ। सभी हरी मिर्च को भी मैं रख दी हूँ फ्राई करने के लिए। अब अदरक को भी रख दी हूँ। अब लहसुन की कलियाँ डाल देती हूँ। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इन बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई करना है, टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन को। अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट व नरम हो जाए जब तक फ्राई करना है इनको। जितना अच्छा फ्राई करोगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनके तैयार होएगी। और अच्छी ग्रेवी बनेगी जब ही पनीर मसाला अच्छा बनेगा। एकदम होटल व रेस्टोरेंट के टेस्ट में बना के तैयार करेंगे।
जो हलवाई बनाते हैं उस ट्रिक से बनाएंगे। देखिए कलर चेंज हो गया और सॉफ्ट भी हो गए, पक्के तैयार हो गए। वैसे तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ और मिक्सी के जार के अंदर डाल दूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए इनको पीसना है। अब सभी को मैं मिक्सी के जार के अंदर डाल दी हूँ। अब मिक्सी के जार को मैं बंद करके और इसे पीस लेती हूँ। देखे ग्रेवी बनके तैयार हो गई। अब मैं हलवाई जो ट्रिक फॉलो करता है वो मैं इसके अंदर फॉलो करूँगी। मैं मिक्सी का जार लेके इसके अंदर काजू डाल दी हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि मसाला पनीर बना रहे हैं, इसलिए काजू का पेस्ट ज़रूरी है इसके अंदर। तो देखिए काजू का पेस्ट भी बनके तैयार हो गया। अब मैं गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। ऑयल गरम हो गया और ऑयल के अंदर मैं तेज पत्ता और दो लौंग डाल दी हूँ, 3-4 काली मिर्च डाल देती हूँ, दालचीनी डाल दी हूँ मैं इसके अंदर, मसाले वाली बड़ी वाली इलायची डाल देती हूँ। अब मैं 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ। इनको सभी को मैं पका लूँगी अच्छी तरह से। दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और जीरा इनको अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जो ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज को इनका पेस्ट बना के रखी थी इनको डाल दी हूँ। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं मसाले ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी हूँ मैं। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देती हूँ, आप भी स्वाद अनुसार ऐड कर लेना नमक। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सौंफ का पाउडर, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ धनिया पाउडर, इन सभी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर मसाला के अंदर और बहुत टेस्टी व लाजवाब बन के तैयार होती है पनीर मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद अनुसार डालना है, ज़्यादा चरखी नहीं करनी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चुटकी भर गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी भी लगती है। आपके पास जो भी गरम मसाला अवेलेबल हो, पनीर मसाले वाला गरम मसाला कुछ भी हो वो डाल सकते हो। अब मैं इसे स्टेज पे डाल देती हूँ। इसके अंदर जो मैं काजू का पेस्ट बना के रखी थी वो डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरे धनिया की पत्तियाँ, हरे धनिया की पत्तियाँ डाल के और इसे भी मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। काजू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी के अंदर, इसीलिए मैं काजू का पेस्ट बना के डाली हूँ। होटल व रेस्टोरेंट के नियम फॉलो कर रही हूँ मैं इसके अंदर। जैसे वो होटल व रेस्टोरेंट में बना के तैयार करते हैं पनीर मसाला, वैसे ही मैं बना के तैयार कर रही हूँ। आप एक बार बना के खाओगे तो आपका मन बार बार बना के खाने का करेगा और मार्केट से लाने का नहीं मन करेगा, घर पे ही बना के खाने का मन करेगा पनीर मसाला। की ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। कढ़ाई के तले को छोड़ रही है तो आप समझ जाइए ग्रेवी तैयार हो गई है, लगभग तैयार हो गई ग्रेवी बनके। देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है और मेरे पूरे किचन के अंदर ग्रेवी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे हम होटल के अंदर
बैठे हैं। होटल के अंदर खुशबू आती है, वैसे ही खुशबू आ रही है यहाँ पे भी मेरे किचन के अंदर। तले को छोड़ दिए और ऑयल छोड़ने लगे ग्रेवी, तो ग्रेवी तैयार हो गई है एकदम अच्छी, वह रेस्टोरेंट जैसे ग्रेवी बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी शानदार, कितनी कलरफुल ग्रेवी बनके तैयार हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक में लाके। देखिए कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी, कितनी लाजवाब ग्रेवी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर देती हूँ, पनीर की सभी पीसेज को मैं ऐड कर दूंगी एक एक करके। सभी पीसेस को मैं ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी धनिया की पत्तियाँ। देखिए कितने प्यारे, कितने लाजवाब, कितने टेस्टी पनीर मसाला दिख रही है। तो देखने में इतनी प्यारी है तो खाने में कितनी टेस्टी लगेगी पनीर मसाला। आप मिनटों में बना के तैयार कर लोगे घर पे ही, और इतनी सारी महंगी मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी पनीर मसाला। घर पे घर के ही सामान से बना के तैयार कर लोगे, घर के ही दूध से पनीर बना के और पनीर मसाला बना के तैयार कर सकते हो आप। तो लीजिए पनीर मसाला बन के तैयार हो गई। आप पनीर मसाला की फुल प्लेट लेने जाओगे तो बहुत महंगी आएगी, और आपको होटल के अंदर जाते ही बोलेंगे फुल प्लेट चाहिए या हाफ प्लेट चाहिए पनीर मसाले की। पनीर मसाला बनके तैयार हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़े हरे धनिया की पत्तियां और डाल देती हूँ। अब मैं जिस प्लेट के अंदर होटल के अंदर परोसते हैं हमें, उस प्लेट के अंदर ही मैं डाल लेती हूँ पनीर मसाले को। होटल जैसे टेस्टी पनीर मसाला तो मैं होटल जैसे होटल में परोसते हैं उसी प्लेट के अंदर मैं डालूंगी, फुल प्लेट डालूंगी। देखिए ये फुल प्लेट है, बहुत महंगी प्लेट बन के देते हैं। देखिए कितनी अच्छी और कितनी लाजवाब, कितनी टेस्टी पनीर मसाला बन के तैयार हुआ है, और एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसी पनीर मसाला बन के तैयार हुई है। आप एक बार बना के खाइए और इंजॉय कीजिए। नवे रसोई के अंदर आपको पनीर मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और